तो हाँ भैया, यहाँ पे है सिकंदराबाद स्टेशन। सिकंदराबाद स्टेशन से गेट से बाहर आने के बाद एक कमान दिखेगा आपको। एक कमानी से अंदर आने के बाद यहाँ पे एक मंदिर दिखेगा। वो मंदिर से आगे आके सीधा ही रास्ता है ब्रह्मा होटल के लिए जाने के लिए। ये देखो, यहाँ से सीधा अंदर जा सकते हैं आप। सिकंदराबाद स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है ब्रह्मा होटल। ये एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आपको लोकेशन चाहिए था, तो ये है ब्रह्मा होटल का लोकेशन भाई। मिलिट्री कैंटीन के साइड वाला रोड जो अंदर जाता है, वहाँ पे ब्रह्मा होटल आपका। सबके लिए चाय लाता है ये, मैं जिस लॉज में रहता हूँ अभी। अगर चाय बोल दे दूसरे आता ना। ये चाय। हाँ भैया, तो आज चलेंगे एक नए होटल में। सही में यार, बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली। तो भाई लोग, आज की इस व्लॉग में होने वाला है एक नए होटल का रिव्यू। चलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई लोग। आज जाएंगे अपन एक नए होटल में, एक नए होटल का रिव्यू करवाने। वो बजट वाला होटल है लेकिन काम चल जाएगा वहाँ पे। होटल कैसा है, कैसा नहीं है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं मिलता है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ और होटल का एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे, अगर भर्ती वाले लोग सिकंदराबाद में ज़्यादा आते हैं, और भर्ती वाले के टाइम उस टाइम पर ना सब लॉज फुल हो जाते हैं, वहाँ पर लॉज नहीं मिलते, तो इस जगह पर लॉज आपको मिल जाएंगे। रहने का बंदोबस्त यहाँ पर हो जाता है, तो कम पैसे में बजट वाला रूम, बजट वाले होटल सब कुछ मिल जाता है यहाँ। तो चलो, तो हेलो गाइज, तो ये है आरके लॉज, और आज अपन करने वाले हैं आरके लॉज की रिव्यू। ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। सिकंदराबाद के रोड पे ही आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, और जैसे आप अंदर जाते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ पे टीवी है वहाँ पे ही रिसेप्शन है उनका छोटा वाला। तो ऊपर के रूम दिखाता हूँ मैं आपको, कैसी कैसी है, कैसी कैसी नहीं है। सिंगल डबल आपको दोनों टाइप की रूम्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और डॉर्मेंट्री भी है। आप अगर स्क्वाड बेसिस में कंफर्टेबल है तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। नीचे उनकी डॉर्मेंट्री है। तो ऊपर जाके मैं आपको रूम पहले दिखा देता हूँ, कैसी कैसी है, कैसी कैसी नहीं। सिंगल के लिए 300 रुपये और डबल के लिए 600 रुपये, ऐसा कुछ उनका प्राइस सिस्टम है। तो डबल में टीवी दिया जाता है और सिंगल में टीवी दिया नहीं जाता। अगर आपको ज़रूरत होगी तो, अगर लॉज फुल होगा तब आपको डबल दिया जाए, डबल बेड दिया जाएगा, वहाँ पे टीवी भी लगी होगी, ऐसे एडजस्टमेंट हो जाती है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि ये है रूम, बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किए गए है बजट वाले होटल में। और 600 रुपये का रूम है ये। मैंने डबल बेडरूम दिखाया है आपको इसलिए कि यहाँ पे 3 लोग भी सो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बंदे का 150 रुपये चार्जेस किए जाते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आपको फ़ैन भी दिया गया है, लाइट भी अच्छी खासी आती है यहाँ पे। तो मैं पहले आपको ये देख सकते कि यहाँ इस साइड में बाथरूम है, बाथरूम अंदर ही है, तो वॉश बेसिन दिया है यहाँ पर। तो ये है वॉश बेसिन, ये इंडियन टाइप का बाथरूम दिया है यहाँ पे। 24 आवर्स पानी आता है, आपको पानी की टेंशन नहीं है। एग्जॉस्ट के लिए खिड़कियाँ रखी हैं, और ये बाथरूम में भी एक खिड़की है, और आप जहाँ पे रूम में मैं रह रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक खिड़की है। तो ये देख सकते हैं आप कि कुशन बिशन और फोम टाइप गद्दे हैं इसके, तो मुझे तो बहुत सही लगी। 300 रुपये में अगर आप अकेले आते हो तो आपको ये भी रूम दिया जा सकता है, या सिंगल भी दिया जाता है। चलो,
तो कैसा था वीडियो भाई? ज़्यादा तो ज़्यादा सब साफ सफाई रहती है यहाँ पे, तो वीडियो में जैसा था वैसा ही है। एंटर करते वहाँ पे उनका रिसेप्शन है, तो वहाँ वही से बात होती है और कम ज़्यादा पैसे में आपको यहाँ पे रूम मिल जाती है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, रास्ते पे है। जैसे सिकंदराबाद से अपन गेट से बाहर निकले, वहाँ से पूछना है आपको गणेश मंदिर कहाँ, और गणेश मंदिर के सीधा अपोजिट साइड में एक रोड अंदर जाती है, वहाँ पे मस्जिद। वहाँ से पूछना है कि आपको मस्जिद कहाँ पे है। मस्जिद के सामने वाला ही लॉज आरके है, तो ये होटल था आरके। तो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय। Got a feeling.